अल्लाहुर्रहमानुर्रहीम। मोहम्मद आसम अबू की तरफ से तमाम दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई खौफनाक खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ आना शुरू हो गई हैं। सैलाब ने इंडिया में तबाही मचा दी है। अब सैलाब पाकिस्तान में तबाही की इब्तदा कर रहा है। कसूर के मुकाम पर सैलाब ने काफ़ी नुकसान करना शुरू कर दिया है, जहाँ पर बेपनाह आबादियाँ, छोटे बड़े गाँव बहा कर ले गया है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में तो सैलाब ने बेपनाह तबाही मचा दी है पाकिस्तान की नस्बत। और ये वक्त के साथ साथ मज़ीद इतलात आ रही हैं तबाही की, तो लोग अपने घरों से बेकार हो चुके हैं, तो माल मवेशी लोगों का बह चुका है, घरेलू सामान लोगों का ज़ाया हो चुका है। इतलात के मुताबिक इंडिया को पानी ने हला कर रख दिया है। इंडिया अब बेबस नज़र आ रहा है। अगर हरीके हेडवर्क्स की बात की जाए तो वहाँ पर पानी का बहाव इतना ज़्यादा हो चुका है कि उसको इंडिया बाईपास करना चाहता है। तो इतलात के मुताबिक अब पता चला है कि हरीके हेडवर्क्स के ऊपर तकरीबन कई जगहों पर उन्होंने बारूदी मवाद जो फिक्स कर दिया है, जिसको वक्त के साथ वो इस्तेमाल करके पानी को बाईपास करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ अगर हेड गंडा सिंह की बात की जाए, तो अब हेड गंडा सिंह पर भी तकरीबन दोपहर से पानी की सतह काफ़ी बुलंद होना शुरू हो चुकी है। इस वक्त हेड गंडा सिंह के ऊपर तकरीबन 2,90,000 क्यूसिक का खराज होना शुरू हो चुका है, और ये हेड गंडा सिंह के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह साबित होगा। अगले 24 घंटों के दरमियान ये तकरीबन हेड सुलेमानकी पर काफ़ी इजाफा देखने में आएगा, और उसके बाद तकरीबन आज से 72 घंटों के बाद ये हेड इस्लाम के मुकाम पर ज़्यादा इसकी सतह बुलंद होना शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त ये इंतहाई ख़तरनाक पोजीशन बन चुकी है। काफ़ी जगहों से बंद टूटने की इतलात आ रही हैं। काफ़ी जगहों पे पाकिस्तान और इंडिया में हेडवर्क्स के ऊपर इसको बाईपास करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज़ है और इतना ज़्यादा है कि ये हेड्स को भी नुकसान का अंदेशा है। तो वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी नई इतलात हो वो आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।